तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMII पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते रहते हैं, आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे एक लार्ज कैप कंपनी की, ऑयल सेक्टर की कंपनी की, गैस सेक्टर की कंपनी की, दैट इज़ गेल इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में फ्राइडे के दिन बड़ी गिरावट हुई है, 2.72% की गिरावट देखने को मिली है। ये स्टॉक 85.85 के लेवल पर क्लोज हुआ आपको दिख रहा है। तो आइए जान लेते हैं आने वाले टाइम में इसके ट्रेंड्स क्या रह सकते हैं, इसके आने वाले टाइम में क्या टारगेट रह सकते हैं। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें और इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए पहले इसकी लास्ट वन ईयर की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो लास्ट वन ईयर में इस स्टॉक में कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रही है और ये जो स्टॉक है 16.65% की गिरावट शो कर रहा है। तो कोई खास ट्रेंड नहीं है, आइए आगे बढ़ते हैं इस स्टॉक का। अब हम डिविडेंड यील्ड देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी है नियरली 4% के अराउंड अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे देती है और इसकी वैल्यूएशन भी आजकल बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुकी हैं। पीई मल्टीपल्स देखें, पीई रेशो की डाटा देखें तो यहाँ पर 4.27 है, इतनी ज़्यादा नहीं है। मार्केट कैप देखें 56,500 करोड़ का है। तो कंपनी अच्छी है, लार्ज कैप कंपनी है, PSU सेक्टर की कंपनी है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती है। आजकल वैल्यूएशंस बहुत ही अच्छी हैं और इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है, लेकिन लास्ट वन ईयर में कोई खास पॉजिटिव ट्रेंड नहीं देखने को मिला है। तो आइए पहले इसके जून क्वार्टर के नंबर चेक कर लेते हैं। रेवेन्यू का डाटा देखो तो बहुत ही शानदार ग्रोथ शो कर रहा है जीयर ऑन जीयर बेसिस पे। नेट इनकम में भी 52% की ग्रोथ है, डिल्यूटेड EPS भी बढ़ रहा है 52% के हिसाब से, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में 29% की गिरावट हुई है। मार्जिन जरूर इसके कॉन्ट्रैक्ट होते आपको दिख रहे हैं, लेकिन टॉप लाइन में बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। इसका मतलब है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है और इस कंपनी ने रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है, मींस के इसके सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, टोटल इनकम में भी ग्रोथ ही देखने को मिली हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फ्राइडे के दिन इस कंपनी में बहुत ही बढ़िया एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑन द फ्राइडे स्लैश्ड द विंडफेल गेन्स टैक्स फॉलिंग ए डिक्लाइन इन द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो दोस्तों जैसे आपको पता है पहले गवर्नमेंट ने विंडफॉल जो गेन्स टैक्स है वो लगाया था डिफरेंट टाइप की ऑयल एंड गैस कंपनीज के ऊपर। अब फ्राइडे को इस गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है एंड दिस गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्लैश द विंडफॉल गेन्स टैक्स। तो उस गवर्नमेंट ने जो विंडफॉल टैक्स की वैल्यू है वो कम कर दी है, उसकी जो रेशो है वो कम कर दी है। दिस इज़ ए वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑयल कंपनीज एंड दिस इज़ द फिफ्थ रिविजन ऑफ द विंडफॉल टैक्स सिंस द इम्प्लीमेंट ऑन द July 1। क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड की प्राइसेस कम होने के कारण कंपनीज का जो प्रॉफिट था वो बढ़ गया था, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया था उन पे विंडफॉल टैक्स लगा दिया था ऑन द June 1। तो अब उन्होंने जो है विंडफॉल टैक्स कम करना शुरू कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC नोटिफिकेशन, इट हैज़ कट द टैक्स ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल टू ₹10,500 a टन फ्रॉम ₹13,300 अर्लियर। तो बहुत ही बड़ी ये पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। अब उनका जो विंडफॉल टैक्स है वो ₹13,300 से कम होकर ₹10,500 रह गया है फॉर ए टन। दीज रेट्स आर इफेक्टिव फ्रॉम द September 17। तो September 17 में इस कंपनी के जो है वो रेट्स जो है वो चेंज होंगे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके कारण जो है डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स इस पर पॉजिटिव हो चुकी हैं, CLSA की तरफ से भी इस कंपनी पर पॉजिटिव टारगेट आ रहे हैं एंड दीज कंपनीज कैन गिव एक्सलेंट रिटर्न्स इन द फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू द ब्रोकरेज द इंडिया विल इंश्योर्स $70-75 per barrel रियलाइजेशन बट ONGC ऑयल एंड गैस प्राइसिस इज $50। तो दोस्तों ONGC की जो प्राइसिंग है बहुत ही पॉजिटिव है,
बहुत ही बढ़िया है। इसके कारण इस कंपनी के मार्जिन आपको ज़रूर इम्प्रूव होते दिखेंगे, आने वाले टाइम में इसके नंबर्स भी इम्प्रूव होते दिखेंगे। और CLSE की तरफ से इस स्टॉक पे 205 के टारगेट दे दिए गए हैं और इस पे 56% से भी ज़्यादा का जो आपको अपसाइड पोटेंशियल है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस 130 के अराउंड चल रही है। तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया रिटर्न इस स्टॉक पर मिल सकते हैं, क्योंकि विंडफॉल टैक्स भी कम हो गया है, ब्रोकरेज भी इस पर बहुत ही ब्यूलिश हैं, कंपनी की रिलाइजेशन बहुत ही बढ़िया हैं, इंप्लीमेंटेशन बहुत ही बढ़िया है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इस कंपनी के नंबर्स में आपको आने वाले टाइम में दिखेगा और ये कंपनी बढ़िया परफॉर्म करती आपको दिख सकती है। और जैसे कि आपको पता है इस कंपनी की जो प्राइसिंग है दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी गुड, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस कंपनी के मार्जिन पे देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले हमने जो क्वार्टर के नंबर स्टडी करिए हैं जून के, वहाँ पे इस कंपनी के मार्जिन अंडर प्रेशर दिख रहे थे, लेकिन अब जैसे ही मार्जिन इंप्रूव होंगे तो इस कंपनी की टॉप लाइन में और भी अच्छी जो है ग्रोथ आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। इसलिए आप इस स्टॉक में सिप करें, क्योंकि इस कंपनी का डिविडेंड भी अच्छा मिलता रहता है, कंपनी डिविडेंड भी अपने इन्वेस्टर्स को पे करती रहती है, 4% के अराउंड डिविडेंड देती रहती है, और आने वाले टाइम में ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ही पॉजिटिव हैं, ग्रोथ भी आपको अच्छी मिल सकती है। इसलिए आप 205 का टारगेट लेके इस स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट की जगह पे आप सिप को प्रेफर करें तो आने वाले टाइम में जरूर अच्छे रिटर्न्स मिलते रहेंगे। सो थैंक्स अगेन, वी विल बी मीटिंग यू विद द न्यू वीडियो। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।